है। तो आप देख सकते हैं मैं पहले इस तरह से कट कर रही हूँ। आप नीचे कंघी रख के भी कट कर सकते हो, जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ इससे बाल हमारा जो है अच्छी तरह से कंघी में आ जाता है। तो इस तरह से आप बालों को कट कर लें, देखिए इतना बाल कट करवाना था उनको और ये बाल कट हो चुका है। अब मैं आपको अच्छे से फिनिशिंग दूंगी बालों में और दिखाती हूँ किस तरह से हम कट करते हैं। अब आप इस तरह से बालों में कंघी बैठा के भी कट कर सकते हो और हाथों की दो उंगलियों में बालों को लें और अच्छी तरह से कट करें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं छोटी छोटी मैं लेयर लूँगी इस तरह से। और लेयर लेने के बाद क्वल कट करना है। तो इस तरह से आप उंगलियों में बालों को लेंगे और कट करेंगे। आप इस तरह से छोटी छोटी लेयर लेंगे और उंगलियों में दबाते हुए बालों को कट करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैं कट कर रही हूँ। आप एक बार बीच मांग करके कट कर लीजिएगा और फिर अपने क्लाइंट से पूछ लीजिएगा वो किस तरह से बाल रखती है। अगर वो साइड मांग भी बाल रखती है तो आप साइड मांग करके भी एक बार कटिंग करके चेक कर लीजिएगा कि आपका कटिंग सही है या नहीं। तो इस तरह से आप बालों को कट कर सकते हैं। बालों को अच्छी तरह से कंघी करेंगे और उंगलियों में बालों को दबाते हुए कट करेंगे, क्योंकि इक्वल जो स्ट्रेट बाल होता है ना वो बहुत अच्छी तरह से हमें कट करना पड़ता है। अगर बाल हमारा कहीं फंसा रह जाए या फिर गर्दन थोड़ा टेढ़ा कर ले तो फिर कटिंग में भी दिक्कत आ जाती है। तो आप अपने क्लाइंट से भी कहें कि वो सीधे खड़ी रहें और आप अच्छी तरह से कट करें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं इन बालों को अच्छी तरह से कंघी करते हुए कट कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और कटिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में भी शेयर करें। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। देख सकते हैं कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।